हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है किंग सुगर, आप देख रहे हो केडी पिक्चर्स। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट ने कुछ दिन पहले एक मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस लॉन्च किया था और कहा जाता है कि ये गूगल क्रोमकास्ट और अमेजन फायर टीवी स्टिक से बेहतर है। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट का मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस, जिसका नाम है मार्क्यू टर्बो स्ट्रीम। गाइस, तो आज इस वीडियो में इसी मार्क्यू टर्बो स्ट्रीम के बॉक्स कंटेंट एंड सेटअप करके देखेंगे कैसा चलता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जो लोग नए आए हो मेरे चैनल पे, सबसे पहले यहाँ पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो बस आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुभारंभ करते हैं। गाइस, तो बॉक्स की अगर बात करेंगे, सामने तरफ आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखने को दिखने को मिलेगा मार्क्यू फ्लिपकार्ट टर्बो स्ट्रीम एंड्रॉइड टीवी डिवाइस। गाइस, और आप इसको मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस भी बोल सकते हो। कुछ कुछ प्रीलोडेड एप्स आपको दिखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के साथ, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, वूड वगैरह। और साइट की तरफ देखेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। और इस डिवाइस में गाइस क्रोमकास्ट जो है इनबिल्ट है, इनबिल्ट क्रोमकास्ट का सपोर्ट आपको मिलेगा गाइस। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट गाइस। और आप ये जो डिवाइस है इजीली फोन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लो। इस पे जो एमआरपी लिखा हुआ है 5999 गाइस, लेकिन आप फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदोगे तो 2799 गाइस। ये मार्क्यू जो है ओन्ड बाय फ्लिपकार्ट कंपनी है, तो आपको ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट में ही अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको गाइस। तो बस जल्दी से सील को खोल लेते हैं गाइस। जैसे ही मैंने सील को ओपन किया तो पहले आपको दिखने को मिलेगा मार्क्यू टर्बो स्ट्रीम का डिवाइस इटसेल्फ। तो कुछ देर के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, आगे चलता हूँ और क्या मिलता है। एक थर्मोकोल का कुछ है, इसको रखते हैं साइड में। तो आपको ये दो बॉक्स मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह मिलेगा, इसमें मैनुअल जो कोई नहीं पढ़ता है गाइस। तो इसको भी रख देते हैं साइड में, और बॉक्स में कुछ नहीं है। ये जो पहला जो बॉक्स है यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे एक चार्जर सॉकेट मिलता है गाइस, जिसका आउटपुट है गाइस, इसका आउटपुट है 5V 1A गाइस। तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, और गलती से भी आप फोन का जो फास्ट चार्जर है इसमें मत डालिए गाइस। तो इसका जो ओरिजिनल चार्जर है इसमें ही चार्ज किया कीजिए। और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक चार्जिंग केबल। क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ ये जो है एक चार्जिंग केबल है और साथ ही साथ एक आयर ब्लास्टर केबल भी बोलते हैं इसको, ये दोनों चीज एक साथ में काम करेगा गाइस। तो ये इसको रखते हैं साइड में, फिर देखते हैं ये बॉक्स में क्या मिलता है गाइस। इस बॉक्स में है रिमोट जो कि है वॉइस इनबिल्ट, और मार्क्यू ने दो ट्रिपल बैटरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप। रिमोट भी कितना अच्छा है गाइस, इसका जो बटन का फील है बहुत ही बेहतरीन है गाइस। प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन जो बटन प्रेस करने का जो फील है बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हो। ये गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये वॉइस इनेबल्ड है, यहाँ पे माइक्रोफोन है जो कैच करता है आपका वॉइस, ठीक है। तो अभी चलते हैं मेन डिवाइस की तरफ। ये देखिए, ये है मार्क्यू टर्बो स्ट्रीम गाइस, ये प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये आपका जो टीवी का जो HDMI पोर्ट है उस पर ये इंसर्ट होगा, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे नीचे तरफ देखिए, अब माइक्रो USB का पोर्ट है जहाँ पे आपका ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे लगेगा। तो और कुछ यहाँ पे नहीं दिखने को मिलता है, एक HDMI पोर्ट जो आपको टीवी में जाएगा इधर, और ये आएगा इसके पीछे आएगा चार्जिंग पोर्ट, बस यही है डिवाइस गाइस। तो बॉक्स के अंदर फिर से आप देख लीजिए, बॉक्स के अंदर इतना ही कुछ आपको मिलेगा।
एक Mark II का TurboStream डिवाइस इटसेल्फ और एक रिमोट, दो बैटरीज और ये आयर बस्टर केबल के साथ चार्जिंग केबल और एक USB और ठीक है, बस इतना ही है बॉक्स के अंदर। तो अभी सीधा चलते हैं सेटअप की तरफ गाइस। तो गाइस जैसे ही आप पावर ऑन करोगे बड़े बड़े शब्द में आएगा Mark II by Flipkart। तो पावर ऑन हो चुका है, Mark II by Flipkart आ रहा है, आगे देखते हैं क्या आता है, उसके बाद जरूर से ये बूट होगा। तो गाइस ये हो रहा है बूट, स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक ये फुल बूट हो जाता है तब तक मैं आपका इसका हाइलाइटेड फीचर के बारे में बता देता हूँ आपको। अगर स्पेसिफिकेशन का बात करें तो ये डिवाइस रन होता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 पाई पे और साथ में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट, प्ले स्टोर का सपोर्ट, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इस डिवाइस में क्रोमकास्ट बिल्ट इन है जिसके थ्रू आप बड़े आसानी से मोबाइल को कास्ट कर सकते हो आपके बड़े टीवी के साथ। सबसे मेन चीज, ये डिवाइस 8GB इंटरनल स्टोरेज एंड 1GB रैम के साथ में आता है गाइस। और प्रोसेसर में आपको Mali 450 का प्रोसेसर दिखने को मिलेगा, साथ में डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 4.0 भी मिल जाएगा। और गाइस सबसे खास फीचर, Amazon Fire TV Stick की तरह इस Mark II डिवाइस में आप रिमोट के थ्रू वॉइस सर्च करके कोई भी कॉन्टेंट प्ले कर सकते हो बड़े आसानी से। तो यही था इसका मेन फीचर्स, अब फिर से चलते हैं सेटअप की तरफ गाइस। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो फर्स्ट बूट होने के बाद ये रिमोट को पेयरिंग करने के लिए बोला है। तो रिमोट पेयरिंग करने के लिए यहाँ पे जो रिमोट है इसका ये बटन और ये बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और ओके बटन दोनों साथ में प्रेस करके रखना है और वो भी विद इन 30 सेंटीमीटर के अंदर। तो बस प्रेस करते हैं दोनों साथ में, ये ओके बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ठीक है। तो ऐसे हम प्रेस करेंगे कुछ देर के लिए, एक साथ में प्रेस कर रहे हैं। अब ये हो रहा है सर्चिंग और ये सर्च कर लिया और ये पेयरिंग मोड में चला गया, देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुल। तो रिमोट हो गया है कनेक्ट। अभी आप लैंग्वेज सेट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं स्क्रॉल करके ले गया इंग्लिश इंडिया में। इंग्लिश इंडिया को ओके करने के बाद लिख रहा है कि क्विकली सेट अप योर टीवी विथ योर एंड्रॉइड फोन। तो एंड्रॉइड फोन के लिए अभी मैं करता हूँ स्किप, जो मुझे मैं बाद में करूँगा। और ये फिर पूछ रहा है कि ये वाईफाई कनेक्शन करने के लिए, तो मेरे पास जो वाईफाई है उसको मैं क्विकली कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैं पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड मैं डाल दिया हूँ, अभी जैसे ही मैं ओके करूँगा ये कनेक्टिंग करेगा। तो अभी देखिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुका है, अभी अगला प्रोसेस के लिए जा रहा है, देखते हैं क्या आता है अगला प्रोसेस। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप के बारे में अगर बताएं तो जैसे आप देख पा रहे हो कि गूगल अकाउंट में आपको साइन इन करने बोल रहा है। अब अगर आप गूगल अकाउंट के साथ साइन इन नहीं करोगे तो ये नहीं चलने वाला। तो पहला साइन इन कर लेते हैं। जैसे ही साइन इन करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखने को मिलेगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है यूज योर फोन एंड कंप्यूटर, मतलब आप फोन और कंप्यूटर यूज करके इसको साइन इन कर सकते हो जल्दी से। और दूसरा जो ऑप्शन है नीचे वाला यूज योर रिमोट, मतलब रिमोट यूज करके आपको साइन इन करना है। तो मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ, यूज योर रिमोट। तो आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे पहला मेल आईडी देना पड़ेगा, तो क्विकली मैं मेल आईडी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो गाइस मेल आईडी देने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा ये ऑब्वियसली पासवर्ड के लिए पूछेगा। जी हाँ गाइस, तो पासवर्ड भी मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ फिर आपको। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, अभी जैसे मैं ओके करूंगा ये नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगा। गूगल अकाउंट आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया है, अभी देखते हैं क्या मांगता है। टर्म्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट कर दिया। लोकेशन आप नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, मैं अभी यस कर रहा हूँ। और हेल्प इन प्रूफ एंड्रॉइड यस, अच्छा गेट बेटर वॉइस कंट्रोल योर
टीवी। ओके, सो यहाँ पे वॉइस डिटेक्शन के लिए आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। A few things that you should know. Okay, continue with personal result. Turn on personal data so that you can use your voice to get your email calendar. आप voice use करके mail देख सकते हो, calendar वगैरह ये सब देख सकते हो। आपको अगर on करना है तो turn on कीजिए, नहीं तो no thanks कीजिए। As of now मैं इसको no thanks करता हूँ, बाद में on करूँगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐप्स का इंस्टॉलेशन ऑप्शन देता है जो आपका गूगल अकाउंट के साथ ट्राइप है, जिसको मैं सारा कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे कर लूँगा। हॉटस्टार करूँगा मैं, अल्ट बालाजी करूँगा, ठीक है, और सोनी लिप करूँगा। नेटफ्लिक्स ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी इन बिल्ड यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ये मैं आप देख पा रहे हो कि नहीं, नेटफ्लिक्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो यहाँ पे टिक करने का साइन है वो ब्लॉक्ड है, यानी कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो बस आपको जो जो पसंद है आप सिलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, बस हो गया। फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके गाइस, तो जैसे आप देख पा रहे हो पूरा सेटअप और बूट होके हो गया है तैयार, ये मार्क्यू का टर्बो स्ट्रीम। तो आप इंटरफेस देख सकते हो, एकदम तगड़ा वाला इंटरफेस है, जो एंड्रॉयड टीवी में जो इंटरफेस रहता है वैसे ही है, अच्छा दिख रहा है। तो मैं अगर सेटिंग में जाऊं तो इसका एंड्रॉयड कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। डिवाइस प्रेफरेंस, फिर अबाउट, फिर मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आपको फर्मवेयर देखने को मिलेगा, 9.3.10 का फर्मवेयर है और एंड्रॉइड जो है पाई पे रन हो रहा है ये, जैसे आप देख पा रहे हो, ये देखिए एंड्रॉइड पाई पे ये रन हो रहा है, ठीक है। और अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो मुझे बैक जाना पड़ेगा उसके लिए, स्टोरेज 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 इधर है, बैक आते हैं। अगर स्टोरेज की बात करेंगे यहाँ पे 8GB जो स्टोरेज है उस पर आपको टोटल फ्री स्पेस मिलेगा, 4.8GB का आपको फ्री स्पेस मिलेगा, बाकी जो स्पेस है वो OS का यूज करता है, तो लगभग 4.5GB आपको मिलेगा एप्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए गाइस। ओके गाइस, तो इतना ही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि इस डिवाइस में आप अलग से कुछ एप्स जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन प्राइम वीडियोस, थॉप टीवी वगैरह। तो वो जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।